सभी को नमस्कार। सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा एवं दांडिक न्याय विश्वविद्यालय जोधपुर द्वारा आयोजित इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में उपस्थित यूएन हैबिटेट नैरोबी के वरिष्ठ सलाहकार डॉक्टर मार्कंडे राय जी, दक्षिण अफ्रीका में भारत के पूर्व राजदूत एवं भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के पूर्व महानिदेशक श्री वीरेंद्र गुप्त जी, महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी विहार के कुलपति प्रोफेसर संजीव कुमार शर्मा जी, यूनेस्को चेयर फॉर पीस एंड इंटरकल्चरल अंडरस्टैंडिंग काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर प्रियंकर उपाध्याय जी, सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा एवं दांडिक न्याय विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलपति डॉक्टर आलोक त्रिपाठी जी, पुलिस विश्वविद्यालय CPCS के सलाहकार श्री राजन जोशी जी, इंडिया एवं यूनाइटेड नेशंस इन 21st सेंचुरी के लेखक डॉक्टर विनय कौड़ा जी, विश्वविद्यालय के कुलसचिव सुश्री नेहा गिरी जी और इस आयोजन में ऑनलाइन जुड़े सभी विद्वज्जन, विषय विशेषज्ञ और मीडिया के मेरे साथियों, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आपके विश्वविद्यालय द्वारा आज यूनाइटेड नेशंस डे के अवसर पर भारत एवं संयुक्त राष्ट्र विषयक इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना ही इस उद्देश्य से की गई थी कि विश्व भर के देशों में शांति, समृद्धि और सद्भावना की स्थापना हो। बहुत से स्तरों पर संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अपने इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सफलता भी प्राप्त की गई है, परंतु मेरा यह भी मानना है कि जब तक संयुक्त राष्ट्र के चार्टर पर हस्ताक्षर करने वाले देश ईमानदारी और प्रतिबद्धता से इन उपदेशों की पालना नहीं करेंगे और अपने देशों की विदेश नीति में इस तरह के नियम नहीं बनाएंगे जिससे मानवाधिकारों में आस्था के साथ राष्ट्रों में व्यावहारिक रूप में न्याय से जुड़े सिद्धांत की पालना हो, तब तक विश्व में पूरी तरह से शांति, सद्भावना और समान रूप से समृद्ध कायम नहीं की जा सकती है। यह सुखद है कि सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय जोधपुर द्वारा नव स्थापित सेंटर ऑफ एक्सेलेंस ऑन यूएन स्टडीज के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़े मुद्दों पर निरंतर विमर्श किया जा रहा है। मैं चाहता हूँ इस अध्ययन केंद्र द्वारा विषय विशेषज्ञों द्वारा संयुक्त राष्ट्र से जुड़े राष्ट्रों के हितों संबंधित सुझावों का दस्तावेजीकरण कर उसे उचित मंच पर रखे जाने की कार्रवाई भी हो। संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों का उल्लेख उसके चार्टर की प्रस्तावना में स्पष्ट देखा जा सकता है। इस चार्टर की प्रस्तावना पर 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को में विश्व के विभिन्न देशों द्वारा परस्पर सहमति जताते हुए यह तय किया गया था कि संयुक्त राष्ट्रों के लोग आने वाली पीढ़ियों के हित में युद्ध शांति के साथ देशों के मौलिक मानवाधिकारों में आस्था के साथ ऐसी परिस्थितियां पैदा करेंगे जिनसे सभी को समान रूप से लाभ हो। मैं ये मानता हूँ संयुक्त राष्ट्र संघ लोकतांत्रिक पद्धति से जुड़े जीवन मूल्यों पर कार्य करे तभी उसकी सार्थकता है। राष्ट्रों की परस्पर समझदारी ही एकमात्र व्यवहारिक वह उपाय है जिससे विश्वभर में शांति और सद्भाव पैदा किया जा सकता है। गतिरोध और भय के इस युग में हमें सब धर्मों के इस आधारभूत सिद्धांत को नहीं भूलना चाहिए कि बुराई पर विजय पाने का एकमात्र तरीका सभी के लिए समान रूप से भलाई करने के कार्य करना है। भारत शक्तियों के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना चाहता। हमारा देश हमेशा शांति, लोकतंत्र
और विश्व समाज के पक्ष में रहा है और आगे भी रहेगा। इसलिए राष्ट्रों की शक्तियों के मध्य समन्वय में ही उसका विश्वास है। इसका अर्थ यह है कि कोई भी देश अपनी शक्ति के बल पर किसी दूसरे देश को हानि पहुंचाने का प्रयास न करे। हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा जीवित लोकतंत्र है। दुनिया की लगभग 18% जनसंख्या भारत में निवास करती है, जिसे विभिन्न धर्मों, पंथों और विचारधाराओं का बोलबाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कुछ समय पहले ही यूएन के मंच से कहा भी है कि विविधता हमारे मजबूत लोकतंत्र की पहचान है। भारत ने अपनी राष्ट्रीय आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत बहुपक्षीय संरचनाओं के साथ निरंतर उत्साहपूर्वक साझेदारी की है। संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्य के रूप में भारत ने हमेशा संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों और सिद्धांतों का पुरजोर समर्थन किया है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के लक्ष्यों को लागू करने और उसके विशेष कार्यक्रमों और एजेंसियों के विकास में भी हमारे देश का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने अपनी संस्था को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण गारंटी के तौर पर ही सदा देखा है। उपनिवेशवाद और रंगभेद के खिलाफ भारत सदैव संयुक्त राष्ट्र संघ में अग्रणी आवाज बनकर खड़ा रहा है। औपनिवेशिक देशों को स्वतंत्रता प्रदान करने पर संयुक्त राष्ट्र की 1960 की ऐतिहासिक घोषणा का सह प्रायोजक भी भारत ही था। मैं मानता हूँ राजनीतिक, राष्ट्रीय और जातीय भेदों के बावजूद हर एक राष्ट्र की सुख समृद्धि दूसरों की सुख समृद्धि से जुड़ी हुई है। इस परिप्रेक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र संघ को सच्चे अर्थों में एक विश्व संघ बनाए जाने की जरूरत है। ऐसा विषय विश्व संघ जो शांति सद्भाव के साथ ही राष्ट्रों के हित में उनके समान रूप से विकास को भी गति देने में सहयोग करे। इसके लिए व्यक्तिगत और सामूहिक अभिमान और अहंकार को त्यागना जरूरी होगा। मानवीय इतिहास में बुनियादी बुराई अभिमान है। कोई भी राष्ट्र यदि अहंकार को पालता है तो अंततः उसका ही बुरा होता है। केवल अभिमानी लोग ही यह विश्वास करते हैं कि उनकी चतुरता और सद्गुण दूसरों का शासन करने के लिए पर्याप्त है। मैं ये मानता हूं आज के परिप्रेक्ष्य में वंचित वर्ग और अपेक्षाकृत कम विकसित देशों को यह विश्वास दिलाना जरूरी है कि संयुक्त राष्ट्र उनकी समस्याओं के समाधान के प्रति संवेदनशील है। पिछले कुछ समय से पूरी दुनिया कोरोना वायरस से संघर्ष कर रही है। COVID-19 एक वैश्विक संकट है जो संयुक्त राष्ट्र ने पहले कभी नहीं देखा। इस दौर में यह हमारा साझा कर्तव्य है कि कोरोना को खत्म करने के लिए वैश्विक स्तर पर प्रभावी कार्रवाई करें। भारत ने कोरोना की लड़ाई स्वयं लड़ने के साथ दूसरे देशों को भी निरंतर मदद की है। देश में 100 करोड़ लोगों के टीकाकरण की बड़ी उपलब्धि के साथ कोरोना नियंत्रण के लिए हमारे यहाँ हुए प्रयासों की विश्व भर में सराहना हुई है। महामारी नियंत्रण के लिए हमने जो प्रयास किए उसके मूल में वसुधैव कुटुंबकम की हमारी अवधारणा ही प्रमुख रही है। हमने पूरे विश्व को एक परिवार मानते हुए कोरोना से लड़ाई लड़ी। इसीलिए टीकाकरण के लिए दूसरे देशों को भी निरंतर मदद की। मैं चाहता हूं इसी तरह दूसरे जो समर्थ राष्ट्र हैं वे जरूरतमंद देशों की मदद के लिए संयुक्त राष्ट्र के मंच के तहत निरंतर कार्य करें। मुझे याद है संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के 75वें सत्र में हमारे देश के प्रधानमंत्री
श्री नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना महामारी में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पर सवाल उठाए थे। उन्होंने तब यह भी कहा था कि बीते 75 सालों में संयुक्त राष्ट्र की अनेक उपलब्धियां रही हैं, परंतु कोविड जैसे ऐसे भी बहुत से अवसर आए हैं जब संयुक्त राष्ट्र के समक्ष गंभीर आत्ममंथन की आवश्यकता खड़ी हुई है। विश्व में आतंकवाद फैलाने के साथ मानवीय मूल्यों की ताक पर जिस तरह से कुछ देश अपनी मनमानी कर रहे हैं, उनके नियंत्रण में भी संयुक्त राष्ट्र संघ को अपनी भूमिका पर इस दौर में गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के बदलते प्रतिमानों और आयामों के कारण संयुक्त राष्ट्र की व्यवस्था और प्रक्रिया में बदलाव भी आज के समय की मांग है। संयुक्त राष्ट्र को अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए अपने संस्थानों में भी सुधार लाना होगा। सुरक्षा परिषद की संस्था में विस्तार किए बिना उसके अधिकार क्षेत्रों को विस्तार उसकी वैधता को कम करता है। इसलिए विश्व स्तर पर अहम सुरक्षा निर्णय लेने की प्रक्रिया से भारत को अलग थलग रखने जैसे निर्णयों पर भी गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। भारतीय संस्कृति और जीवन दर्शन को इस संबंध में आदर्श मानते हुए कार्य करने की जरूरत है। इसे विश्व सुशासन को व्यवहार में सार्थक किया जा सकता है। हमें भारतीय संस्कृति के उन मूल्यों पर भी विचार करने की आज अधिक जरूरत है जिनसे मनुष्य के अधिकारों के साथ दायित्व भी जुड़े हैं। अधिकार और कर्तव्यों का संतुलन ही मानवीय गरिमा को विश्वभर में स्थापित कर सकते हैं। भारत ने हमेशा विश्व कल्याण को प्राथमिकता दी है और शांति स्थापन के लिए 50 शांति अभियानों में अपने सैनिक भेजे हैं। शांति स्थापना में भारत ने अपने अनेक वीर सैनिकों का बलिदान भी दिया है। शांति रक्षा के लिए चुनौतियों का सामना करना भारतीय परंपराओं, लोकाचार और संस्कृति के अनुरूप ही है। हमने मानव जात के कल्याण के बारे में जितनी गहराई और सच्चाई से चिंतन किया है, उससे दूसरे देशों को भी जुड़ने की जरूरत है। आर्थिक विकास के लिए भी सबके साथ साझेदारी में भारत का विश्वास रहा है। भारत की आवाज मानवता के पक्ष में और हिंसा के खिलाफ रही है। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के तौर पर जिम्मेदारी निभाने के लिए भारत तत्पर और तैयार है। जहां तक 2 वर्ष के लिए सुरक्षा परिषद की अस्थायी संस्था की बात है, तो इस साल जनवरी से लेकर अब तक भारत ने शानदार नेतृत्व प्रदान किया है। इन 2 वर्षों के दौरान भारत का लक्ष्य समुद्री सुरक्षा, शांति स्थापना, आतंकवाद विरोध, अफ्रीका में विकास इत्यादि मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना है। यह हमारे लिए गौरवपूर्ण है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 9 अगस्त 2021 को सामुदायिक सुरक्षा पर सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने इस दौरान राष्ट्रों का ध्यान आकर्षित किया कि कैसे समुद्री डकैती और आतंकवाद विश्व व्यापार को प्रभावित कर रहे हैं और नाविकों को भारी जोखिम में डाल रहे हैं। उन्होंने देशों के बीच समुद्री विवादों, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदा के मुद्दों पर भी अपनी बात पुरजोर ढंग से रखी। वैश्विक शांति के लिए सकारात्मक योगदान देने के लिए इसे मुखर भारतीय इच्छा के संकेत के रूप में देखा जा सकता है। अफगानिस्तान की धरती से आतंकवाद के निर्यात, अफगान और विदेशी नागरिकों के प्रस्थान, मानवाधिकारों, विशेष रूप से महिलाओं और अल्पसंख्यकों के अधिकारों के मुद्दे पर भारत ने वैश्विक स्तर पर सहमति प्रदान करने का प्रयास किया है। मेरा यह मानना है कि विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र हमारे देश भारत का संविधान मानव अधिकारों का वैश्विक दस्तावेज है। मानव अधिकारों की सुरक्षा की विश्वसनीय व्यवस्था भारतीय संविधान में है। इसीलिए विश्वभर में भारतीय संविधान आधारित विश्व शासन व्यवस्था के आज सभी स्तरों पर जरूरत में अनुभव करता हूँ।
वैश्विक शासन व्यवस्था को मानवीय करुणा, परस्पर विश्वास, सद्भाव और बंधुत्व आधारित भारतीय संस्कृति के विचारों के आलोक में यदि प्रभावी किया जाता है तो उसका दीर्घकालीन असर राष्ट्रों के परस्पर सद्भाव, सहयोग और कोविड जैसी भविष्य की और भी महामारियों से निपटने की चुनौतियों के साझा सहयोग के रूप में सामने आ सकते हैं। इसी की आज सबसे बड़ी जरूरत भी है। विश्व भर में जलवायु संकट, कोविड 19 का खतरा, दुनिया के कई हिस्सों में चल रहे छद्म युद्ध, आतंकवाद और हाल के अफगान संकट ने संयुक्त राष्ट्र का दायित्व पहले से कहीं बढ़ा दिया है। इस संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र को अपनी प्रभावशीलता में सुधार करने और अपनी विश्वसनीयता बढ़ाने की आवश्यकता है। यह सुखद है कि पुलिस विश्वविद्यालय के सेंटर ऑफ एक्सेलेंस ऑन यूएन स्टडीज द्वारा संयुक्त राष्ट्र से जुड़े विषयों पर शोध और प्रशिक्षण के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। मैं चाहता हूं इस अध्ययन केंद्र द्वारा हो रहे कार्यों को व्यापक स्तर पर प्रसारित किया जाना चाहिए। आपने यूनाइटेड नेशन डे पर इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में मुझे भी आमंत्रित किया, इसीलिए मैं आपके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।